हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मस्त हो? अभी मैं आपको एक जो पावर पॉइंट होता है और उस पर एक वर्चुअल बोर्ड क्रिएट करके आपको फॉन्ट्स ताकि अच्छे से क्लियर दिखाई दें, उस वे में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो मैं अभी आपको दिखूंगा, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और मैं यहीं पे रहूँगा, अपने आप को छोटा कर रहा हुआ इस तरह से आप मेरे को देख पाओगे, और साथ साथ में मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको जो है वो दिखाऊंगा। आज अपन पिछली क्लास में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को आज आगे और कंटिन्यू करते हैं। ये एक वर्चुअल बोर्ड क्रिएट किया है मैंने आपके लिए, तो उसी को ही यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पिछली क्लास में इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज जो है पिछली क्लास में जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में जो चीज़ पढ़ी हमने, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, तो न्यूमेरिकल्स को रखते हुए आज फिर कुछ हम चीज़ें सीखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बता देना, साउंड और विजिबिलिटी क्लियर हो सब चीज़ों की, कमेंट सेक्शन में बता दो। आपको जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है सभी को? इलेक्ट्रिकल फील्ड शुरू करें, कुछ न्यूमेरिकल्स और लें। दिखाई दे रहा है सभी को? मैं आपको देख पा रहा हूँ यहाँ पे कमेंट में। यस, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है मास 9×10⁻³¹ ग्राम का। इलेक्ट्रिकल फील्ड के ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल ऑफ मास, जिसका मास दे रखा है हमें 9×10⁻³¹ kg। इतने मास का एक पार्टिकल है और उस पर जो चार्ज है, चार्ज कितना है इस पर? इस पर चार्ज है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की। ये कह रहा है कि इसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, दो कोई प्लेट्स हैं इनफाइनाइट जिस पे चार्ज कोई रखा हुआ है इस तरह से, इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 0.3 सेंटीमीटर है। दो प्लेट्स ली जिनके बीच की डिस्टेंस 0.3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से 0.1 सेंटीमीटर ऊपर, मान लो यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करता हूँ और इसकी वेलोसिटी जो है वो देते हैं अपन 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इस नीचे वाली प्लेट से 0.1 सेंटीमीटर बिलो वहाँ पे अपन इसे दे देते हैं, और ये प्लेट का पॉजिटिव हिस्सा है, या फिर इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच में देखो, ये ऊपर वाली प्लेट तो नेगेटिवली चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका मान है आपका, उसकी वैल्यू है आपकी 10⁴, 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच में मौजूद है। तो आपको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन जब इन प्लेटों के बीच में जहाँ पे भी टक्कर करेगा तो किस वेलोसिटी से टक्कर करेगा, कितने समय बाद टक्कर करेगा, या फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये सब चीज़ें अपन को इस क्वेश्चन में करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, IIT लेवल का क्वेश्चन है ये। हमें ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन जो है, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हिट्स टू ईदर ऑफ एनी प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एक प्लेट को हिट करेगा, ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है। देखो दोनों प्लेटों के बीच में है, क्वेश्चन समझना पहले।
दोनों प्लेट्स हैं, ये नेगेटिव प्लेट ऊपर वाली, नीचे वाली पॉजिटिव प्लेट है। इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर 0.1 सेंटीमीटर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को हमने 10^5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड है 10^4 न्यूटन पर कूलाम। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है 0.3 सेंटीमीटर। नीचे वाली प्लेट से 0.1 सेंटीमीटर पर हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है। इलेक्ट्रॉन का मास और इस पे चार्ज जो हमें दे रखा है, हमें ये पता लगाना है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी प्लेट पे हिट करेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, ये हमारा सवाल है। तो देखते हैं आप में से कोई इसको सॉल्व कर पाता है। इसके बारे में आप सोचिए, बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? पहले आप क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? इसमें देखो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है, जो 11th क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, उसका यहाँ पे यूज होएगा। ये पढ़ाने का मोड अच्छा नहीं है, इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या सुभाष? कैसे आप कैच कर पा रहे हो ये, एक बार अपना फीडबैक दीजिए इस तरीके से, वरना अपन बोर्ड वाला तरीका जो है उसी को अपना देंगे। इसमें कैच कर पा रहे हो? अभी तुरंत बोर्ड वाला भी शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। चलो एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन बोर्ड पे चल देंगे। बोर्ड भी, बोर्ड वाला देखो पीछे बोर्ड लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन बोर्ड वाला भी शुरू कर लेंगे। एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड पे चल लेते हैं, अगर आपको ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा हो तो। क्योंकि मैंने इसलिए इसको रखा कि इस पे फॉन्ट्स जो है वो क्लियर आते हैं इस तरीके में। चलो आप लोग बताइए, बोर्ड वाला तरीका ज़्यादा बेटर है या ये वाला? पहले एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दीजिए। हाँ जी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, आप अपना फीडबैक दीजिए। इस वाले तरीके से अपन पढ़ाएं या फिर बोर्ड वाले तरीके पे, किस वाले तरीके को आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है? हालांकि बोर्ड वाले की आदत पड़ी हुई है, इस वाले तरीके में आपको फॉन्ट्स और ज़्यादा क्लियर दिखाई देंगे। इसमें मैं एनिमेशंस वगैरह काफ़ी यूज़ कर सकता हूँ। अमर बंजारा इस वाले तरीके से पढ़ने चाहते हैं, ये वाला। बोथ आर गुड गीतिका, ओके। ये वाला अनुष्का राजपुरोहित इस वाले तरीके में, आदित्य मोदी ये वाला सही है, रितिका ये भी सही है, पर बोर्ड वाला ज़्यादा बेटर है रितिका। देखो हैबिट की बात है, अगर आप इस पे हैबिटुअल हो जाते हो तो ये तरीका भी आपको इस पे भी आप कैच करने लग जाओगे, और दिस वन इज़ मच बेटर गीतिका, ओके। चलो आज का लेक्चर अपन बोर्ड वाला, गुंजन को बोर्ड वाला चाहिए। ओके, और बताओ कौन सा तरीका बेहतर है, ये वाला या बोर्ड वाला? और भी बताइए लोग बाग, इस पे तो देखो दोनों तरह की राय आ गई। हाँ सर, बोर्ड वाला से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा बोर्ड वाले से, मधु को भी बोर्ड वाला तरीका ज़्यादा है अच्छा। हाँ, बोर्ड वाले में क्या है कि थोड़ा इंट्रैक्शन लगता है ना, तो उसी वजह से क्या है कि हमने सोचा बोर्ड वाले बेहतर है वैसे तो। और बताओ और भी कोई किसी का फीडबैक? सर बोर्ड वाला ज़्यादा बेटर है। हाँ तो बोर्ड वाले ज़्यादा बच्चे हैं इसमें। चलो ये एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बोर्ड वाले पे चल लेंगे, अथवा ज़्यादा कुछ नहीं है, स्विचिंग करना है मुझे, मैं बोर्ड वाले पे आ जाऊँगा, ठीक है? तो बोर्ड वाले पे चलना है, ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसके बाद बोर्ड वाले पे चलें, एक सवाल कर लेते हैं इसी तरीके से, है ना? चलो आप लोग दिमाग लगाओ अब सवाल में, अपने फीडबैक ले लिया है, मेरे ख्याल से ज़्यादा जनता बोर्ड वाले तरीके पे बेटर तरीके को ज़्यादा प्रेफर कर रही है, तो अपन बोर्ड वाले तरीके पे चलेंगे। अभी ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार, फिर बोर्ड वाले पे चलेंगे, ठीक है? तो वेलोसिटी अमर ने निकाली है v = 2 × 10^-2। खुशबू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशबू। हाँ अमर ने आंसर निकाला है, वी का वेलोसिटी 2 × 10^-2। चलो इसको सॉल्व करते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। देखो
आओ सीखते हैं। मैं इसमें क्या है कि देखो अलग अलग तरह के कलर्स भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं कलर ले लेता हूँ येलो। येलो का अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा, तो इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ इस क्वेश्चन का। तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से भेज रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब जाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का पहले तो पाथ प्रिडिक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा एक प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, एक प्रक्षेपीय गति इलेक्ट्रॉन इस तरह से करता हुआ इन प्लेटों पे टक्कर करेगा, है ना। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन 11वीं क्लास में याद हो, तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फंडे हैं वो लगाने पड़ेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है क्वेश्चन का तरीका सॉल्व करने का, लॉजिक क्या है। इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में हमने जो वेलोसिटी दी है वो है 10^5 m/s। अब इस वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आगे की ओर जो वेलोसिटी है हमारी 10^5 m/s, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला तरीका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिली है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रॉन के खुद पे तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन की नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इस नीचे वाली प्लेट पे टक्कर खाएगा। तो अपन को वही चीज़ करनी है जो हम 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे, सेम वो का वो प्रिंसिपल है। यहाँ पे हमें जो टावर्स, किसी टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, किसी टावर की हाइट से हम एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, तो वो वाला तरीका जो है अपन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वाले तरीक़े को यूज़ करते हुए अपन सीखते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो अब आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरे पास जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है स्टार्टिंग वाला, जो यू एक्स और जो वी एक्स है वो हमेशा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो यू एक्स है वही रहेगा। हमारा जो वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो हमेशा कितने रहने वाला है, 10^5 m/s ही रहने वाला है। ये तो हमेशा इतने रहेगा वी एक्स बराबर यू एक्स, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो 10^5 m/s है वही क्या रहेगी, हमेशा उतनी ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। ये कभी चेंज होएगी क्या, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई नहीं है वेलोसिटी को चेंज करने वाला। अब वाई वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे पता लगाया जाए, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर पता लगाना है तो हमें वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता हो प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन होता है जी 9.8 m/s वो होता है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, तो हमें वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता लगाना है ए वाई। तो उसकी वैल्यू देखो क्या होगी, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स जो है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है और चार्ज दे रखा है, तो फोर्स बराबर होता है एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। देखो फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये रिलेशन हमने सीखा पिछली क्लास में, फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये रिलेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो मैं फोर्स बराबर क्या लिख सकता हूँ, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ई टाइम्स कैपिटल ई। ई तो हो गया, स्मॉल ई तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और कैपिटल ई हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू जो कि हमें दे रखा है 10^4 N/g। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की वैल्यू हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स है उसमें मैं किसका डिवाइड कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन के मास का डिवाइड कर दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वाई डायरेक्शन में वो कितना आ जाएगा, ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर होगी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन ठीक वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन था हमारा 11th क्लास में, अगर आपको याद हो तो। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालूं ए वाई, तो ये आ जाएगा ई। ई की वैल्यू हो गई 1.6 × 10^-19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इंटू कैपिटल ई, कैपिटल ई का वैल्यू हो गया 10^4 N/c, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कि पता है 9 × 10^-31 kg। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ये आ जाएगा 1.77 × 10^15
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर आएगा, ये ए वाई हो गया, ठीक है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा 10^5 मीटर पर सेकंड रहेगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालना है। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी चलेगा, ये प्लेट को टक्कर मारने से पहले वर्टिकल डिस्टेंस कितनी चलने वाला है, 0.1 सेंटीमीटर चलने वाला है। हमारे पास एक्सेलरेशन है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यानी कि यू वाई कितना अपना, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना। तो मैं अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में निकालनी है तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज कर सकता हूँ। और 2as में भी ये s क्या हो गई, जो वाई डायरेक्शन डिस्टेंस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ay। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, तो उस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ मैं सीधा। यू वाई हमारा कितना है, जीरो। तो यहाँ से जो वी वाई की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √2a इंटू वाई। ए क्या है यहाँ पे, ये ए क्या है, एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में। तो जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ जाएगा वी वाई, ये आ जाएगा ट्वाइस इंटू एक्सेलेशन इन वाई डायरेक्शन कितना, 1.77 इंटू 10^15 इंटू वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा, 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1/100। तो इससे वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा। तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू डाउनवर्ड, बिल्कुल ए लाइक जी, मतलब ए जो है वो जी के जैसा ही है, बिल्कुल है। तो इसमें कैच कर पा रहे हो ना मैं जो बता रहा हूँ, है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना कहीं पे कोई किसी स्टेप में डाउट आया हो तो। ये सिंपल देखो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना, 11th क्लास में आपने पढ़ा, ठीक वैसा ही है क्वेश्चन। लेकिन इसमें अब वो जो जी जो था, उस जी की जगह हमारे इलेक्ट्रिक जो फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन बन रहा है उसने ले लिया है। तो इससे देखो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो आ जाएगा हमारा, वी वाई बराबर आ जाएगा 1.88 इंटू 10^4 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल हिट करेगा, आई बात समझ में, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। अब हमें नेट वेलोसिटी निकालनी थी, किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो वी एक्स की वैल्यू है, ये तो है 10^5 मीटर पर सेकेंड, ये तो है वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। और वेलोसिटी का जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो कितना है, 1.88 इंटू 10^ ऐसा है। वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, 1.88 इंटू 10^4 मीटर पर सेकेंड। तो अब नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हम करते हैं ना, अगर एक्स और वाई डायरेक्शन के दोनों कंपोनेंट पता है तो उनका स्क्वायर रूट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट वेलोसिटी का ओवरऑल रिजल्ट मिल जाएगा। तो 10^5 का होल स्क्वायर, ये तो वी एक्स हो गया, और वी वाई कितना हो जाएगा, 1.88 इंटू 10^4 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये जो आंसर आएगा ऑलमोस्ट हमारा लगभग इस ये 10^5 मीटर पर सेकंड के आसपास ही आएगा। मेन जो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है कि प्लेट को वाई डायरेक्शन के किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो इसका आंसर हमारा यह आ जाएगा 1.88 इंटू 10^4 मीटर पर सेकंड। ये लगभग आपका इसका मैं एग्जैक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, जो वेलोसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो बता देता हूँ, आप एक बार कैलकुलेटर से क्रॉस चेक भी कर लेना। पर इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लगभग अराउंड 1.6 इंटू 10^5 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, आप एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। तो इस तरह से इस सवाल को किया जाएगा। तो आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। समझ में आया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया अमर, अच्छा तरीका यही होगा, ये तरीका है तो बिल्कुल सही था तुम्हारा फिर। आया समझ में, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या था। स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ था कि दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में
इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू दे रखी थी 10^4 न्यूटन पर कूलाम, और उसका यूज़ करते हुए हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी थी कि वाई डायरेक्शन के किस कंपोनेंट से हिट करेगा। कमेंट में लिख के बताइए आपको समझ में आया नहीं आया बताओ। कोई स्टेप अगर डाउट आया किसी स्टेप में तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा बताओ। बाकी लोग भी बताइए। ऑल क्लियर? यस ओके, आई होप ऑल क्लियर है, सभी को समझ में आया है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए, आपको एक अच्छा कलर अपन यूज़ करते हैं, रेड। रेड कलर से मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे रेड का कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा, वाइट से अपन क्वेश्चन लिखेंगे और येलो से अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक एम मास का ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इस तरह से कोई अरेंजमेंट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस डी है, इस दीवार से ये डी डिस्टेंस दूर है, इधर की ओर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड काम कर रहा है ई। ठीक है, इस ब्लॉक पे क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एम मास तो है इसका, इसके अलावा इसका चार्ज कितना है, क्यू कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ये एम मास का ब्लॉक इधर इलास्टिक कॉलिजन करता है, देखो मैं कॉलिजन को भी लेके आ रहा हूं साथ में, अगर यहां पे इलास्टिक कॉलिजन होती है, इलास्टिक कॉलिजन, अगर आपको थोड़ा बहुत कॉलिजन का याद हो, टक्कर हमने पढ़ा था 11th क्लास में, इलास्टिक कॉलिजन होता है तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो कितने इलास्टिक कॉलिजन होता है तो वापस यहां से यहां तक आने में ये जो मास का ऑब्जेक्ट है वो कितना समय लेगा। देखो ये एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से टक्कर मारेगा और यहाँ से वापस इधर आएगा, तो इस एम मास के ऑब्जेक्ट को कितना समय लेगा, इस पूरी प्रक्रिया में कितना टाइम लगेगा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन वापस आने में, ये हमारा सवाल है। इस एम मास के ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या है, क्यू है, इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है, और ये इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कोई वेलोसिटी नहीं है। देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन वाला जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं का ही यूज़ करना है। जैसे ग्रेविटेशन में हम क्या करते थे, एक ब्लॉक को ऊपर की ओर फेंकते थे, वो वापस नीचे आता था, तो उसमें टाइम कैलकुलेट करते थे ना, तो ठीक वैसी ही चीज़ें यहाँ पे हमें करनी है। स्टार्टिंग वेलोसिटी यू जीरो है, एम मास के ब्लॉक को इलेक्ट्रिकल फील्ड ई में छोड़ दिया, तो ये और ये यहाँ पे देखो स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे म्यू जो है वो जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है। देखो 11th क्लास की चीज़ें भी मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ साथ साथ में ताकि आपको और अच्छा लगे, 11th की चीज़ें भी शुरू वो आपकी रिवाइज हो जाए। और इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या है, जिस वेलोसिटी से हिट करता है उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, क्योंकि दीवार तो हिलेगी नहीं, यही तो मतलब होता है इलास्टिक कॉलिजन का, है ना। तो आपको पता लगाना है कि जो एम मास का ऑब्जेक्ट है जब शुरू होगा हिट करेगा, हिट करने के बाद जब वापस आएगा तो वापस आने आने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है। तो देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाता है, ट्राई कीजिए। सवाल समझ में आया, सवाल नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सचिन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, पिछले वाला समझ में नहीं आएगा सचिन? सचिन पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट करना है या ये क्वेश्चन रिपीट करना है, सचिन बताओ। हेलो पीछे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको भी रिपीट कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो इस पर फिसल सकता है, इस पर म्यू जीरो है, इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इस एम मास के ब्लॉक पे इधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट होगा, इधर इधर एक्सेलरेट होएगा तो दीवार पे कॉलिजन करेगा, कॉलिजन करके वापस आ जाएगा,
वापस आने के बाद यहाँ पे कितने समय में आएगा? अच्छा, सचिन कह रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलो लास्ट क्वेश्चन को एक बार और वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तब तक जिन लोगों को लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया था, वो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और मैं एक बार सचिन को लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? जिन लोगों को लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अमर ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी ट्राई करें। मैं सचिन को एक बार लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था, दो प्लेट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है। तो नेगेटिव प्लेट्स और पॉजिटिव प्लेट है, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड 10^4 न्यूटन पर कूलाम है। तो देखो अब नेगेटिव प्लेट जो है और पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे नीचे की ओर जो फोर्स है वो कितना लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा। तो उसी का सहारा लिया गया यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है? वाई डायरेक्शन में हमारा जब एक्सेलरेशन आ गया, तो उस एक्सेलरेशन का यूज करते हुए हमने वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली, जैसा कि हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे, वी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और 2as का मैंने मान रख दिया, तो यहाँ पे मेरे को वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल गया। और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, जितनी हमारी 10^5 m/s पहले थी, वो अभी भी उतनी रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी। तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने थे, और निकालने के बाद में हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया, vh² + vy², तो उससे हमें फाइनल नेट वेलोसिटी मिल गया, है ना सचिन? आई होप क्लियर हो गया होगा सचिन। सिंपल है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बहुत याद है पहले का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज क्यू है, उस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ई जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर लग रहा है, और ये जो जिस दीवार से टकराने वाला है उससे डी डिस्टेंस पर है, और मास और नीचे वाला जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, μ 0 है, और स्टार्टिंग में एम मास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो भी क्या है, 0 है। तो हमें पता लगाना है कि जब ये जाएगा, टक्कर करेगा, इलास्टिक कोलिजन, फिर वापस आएगा, तो इस पूरे समय इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगाएगा, जाने में और आने में कितना समय लगेगा इसे, ये हमारा सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करना है। हाँ जी बताइए, और किसी का आंसर आया? देखो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए भी क्या अप्रोच रहती है, हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वही क्यूई अपॉन एम, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाला था, वैसे ही ये जो मास ब्लॉक है हमारा, ये इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यूई तो हो गया फोर्स, और एम क्या हो गया, मास, तो फोर्स अपॉन मास, तो क्यू एक्सेलेशन क्या हो जाएगा इसका, ए बराबर क्यू ई अपॉन एम। तो इस एक्सेलेशन से ऑब्जेक्ट जो है इधर जाएगा, और ये एक्सेलेशन हमेशा इसका इधर रहने वाला है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक गया, पहले मैं ए से बी तक गया, मान लो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ए से बी तक गया पहले। तो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एस बराबर ut + ½ at² इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एस पता है वो कितना है, डी, यू पता है जो कि है 0 ½ × a, हमें पता है क्यूई अपॉन एम, और टी टी निकालना है। तो जाने में लगा समय सबसे पहले निकालते हैं, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, ए से बी तक जाने में जो समय लगा वो कितना आ जाएगा, टी ए बी। तो टी ए बी कितना हो जाएगा, टी ए बी बराबर हो जाएगा, उसको निकालना है, तो s बराबर तो हो गया d, u हो गया 0 + ½, a की वैल्यू रख सकता हूँ मैं qe अपॉन m। ये देखो qe अपॉन m का फंडा समझ में आया क्या, qe तो है हमारा q चार्ज पे लगने वाला फोर्स, qe बराबर क्या है, q चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और m क्या है, मास है। तो फोर्स में जब मास का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा d बराबर एस बराबर ut + ½ at² में एस तो है डी, यू हो गया 0 ½ a, a की वैल्यू होगी क्यू अपॉन एम, और t² टी की वैल्यू, ये टी कौन सा हो गया, टी ए बी हो गया, टी ए बी का स्क्वायर आ गया। तो यहां से टी ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी, टी ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 2dm / qe,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो, और इसका भी रूट ले लेंगे, रूट में ट्वाइस ऑफ डी, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ डी इंटू एम अपॉन क्यू ई, ये टी ए भी आ जाएगा, टी ए भी आ जाएगा, यानी कि ए से बी तक जाने में लगा समय आ गया। ये टी ए भी क्या है, टाइम टेकन बाय दिस मास ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जाने में लगा समय आ गया इसमें। इसमें कोई डाउट है किसी को, है ना? अब देखो सिमेट्री है, सिमेट्री में जब इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा तो जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा उसी वेलोसिटी से वापस भी आएगा, तो जिस वेलोसिटी से हिट करेगा उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। तो सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं जो टी ए बी है और जो टी बी ए है, यानी कि जो जाने में लगा समय है और आने में जो लगा समय है, वो इक्वल नहीं होंगे क्या? जैसा कि हम वन डी मोशन जो होता था ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, जब पत्थर को ऊपर फेंकते तो ऊपर जाने में लगा समय, फिर नीचे आने में लगा समय, दोनों क्या होते थे? इक्वल होते थे। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे सिमेट्री से कर सकते हैं कि टी ए बी और टी बी ए जो है वो इक्वल होंगे, तो टोटल जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, टी ए बी प्लस टी बी ए, ये टाइम होगा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ टी ए बी, टोटल टाइम टेकन इतना टाइम लगेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ टी ए बी, टी ए बी की वैल्यू कितनी होगी, रूट में ट्वाइस ऑफ डी एम अपॉन क्यू इंटू ई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, टू टाइम्स ऑफ रूट में, है ना, टी बराबर क्या आ गया, टू टाइम्स रूट में टू डी एम। या फिर मैं टू को भी अंदर भेज दूँ तो अंदर कितना चला जाएगा, फोर चला जाएगा, तो फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, एट, तो मैं इसको एट लिख सकता हूँ, रूट में एट, मैं इसे लिख सकता हूँ रूट में, आंसर आ गया अपना फाइनल। तो इसको मैं एक अच्छे बढ़िया कलर में लिखता हूँ, टी बराबर रूट में एट टाइम्स डी एम अपॉन क्यू ई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये आंसर है फाइनल। बताओ इसमें किसी को डाउट आया, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, है ना, दोनों इक्वल थे तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सिमेट्री वाला प्रिंसिपल समझ में आया, सिमेट्री है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, टी बराबर रूट में 8 डी एम अपॉन क्यू ई, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे मैंने जो 11th क्लास के 1D वाले फॉर्मूले जो हैं, 1D का जो कंसेप्ट है उसका यूज किया है सीधा, आया समझ में? तो ये सवाल हो गया टाइम निकालने का, कि जाने में लगा समय, फिर आने में लगा समय, या फिर टोटल समय, आने और जाने में लगा समय। भाइयों समझ में आया क्या, जो भी लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, चाहे एक बच्चे को भी डाउट आ रहा है, डाउट किसी को नहीं आना चाहिए। और अमर तुमने अच्छी कोशिश की, तुम्हारा नियरली इक्वल सही आंसर था, थोड़ा सा गलत हो गया था। अब आपको देखो जो 1D का जो रिविजन है वो भी हो रहा है साथ में, 1D बार याद भी कर सकते हैं। अच्छा कोई डाउट नहीं है, बढ़िया, आने और जाने में लगा समय निकाल लिया। अच्छा अब ये बताइए, आपको एक और क्वेश्चन मैं इसी में रखता हूँ, कि ये जो मास का ऑब्जेक्ट है, ये जो मास अपना है वो किस वेलोसिटी से हिट करेगा, यानी कि इस मास ऑब्जेक्ट जब इस इलास्टिक कोलिजन में हिट कर रहा होगा तो कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे ये हिट करेगा इस दीवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मास ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट टू द वॉल, फाइंड आउट वेलोसिटी of mass object when it hit to the wall, जब ये wall को hit करेगा mass का object हमारा, तो वो किस velocity से hit करेगा। मैं इस mass object की बात कर रहा हूँ, जब ये यहाँ पे इस wall पे hit करने वाला होगा तो किस velocity से hit करेगा, ये सवाल है हमारा next, इसी सवाल का second part। बताइए सॉल्व करके, आसान है, बिल्कुल आसान है, अगर पहले वाला आपको समझ में आया तो दूसरे वाला भी समझ में आ जाएगा। केवल वेलोसिटी निकालनी है, वही एक्सेलरेशन वाला प्रिंसिपल यूज करना है, 1D की इक्वेशन यूज करनी है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो बताइए किस वेलोसिटी से मास का ऑब्जेक्ट जो है हिट करेगा दीवार को, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मास ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट टू द वॉल, जब ये दीवार को हिट करेगा तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा, आंसर चाहिए मेरे को, आंसर बताइए। आसान है, सभी लोग कर सकते हो, जिन्होंने पहला क्वेश्चन समझ लिया वो सब कर सकते हो। गर्ल्स से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, गर्ल्स भी बताइए, कोई डाउट आया तो बताइए, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये समझ में अगर आपको आ गया है कि a बराबर क्यू ई अपॉन एम, ये बात समझ में आ गई है तो आप सवाल सॉल्व कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सॉल्यूशन थोड़ी देर में शुरू करने वाला हूँ, तब तक आपका वेट करता हूँ, कौन आंसर देता है बताइए।
अनुष्का, नो सर, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो इसका बताओ सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का मैंने दूसरा पार्ट लिया है। हाँ, रितिका ने आंसर दिया शाबाश, रूट में क्यूई अपॉन एम डी। ओके, अरुण ने आंसर दिया रूट में 8 QED अपॉन एम। अरुण ने आंसर दिया 8 रूट में QED अपॉन एम। देखते हैं कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS लगाएंगे। रितिका कोशिश अच्छी की, थोड़ा सा गलती किया है। अरुण तुम भी देखो एक बार, वापस क्रॉस चेक करो। ये देखो डिस्टेंस डी है, ये बात ध्यान रखना। एक बार क्रॉस चेक करो, क्वेश्चंस आंसर चेक करो, आसपास हो सभी लोग करो, सभी लोग करो। इनिशियल वेलोसिटी वही इसकी 0 है, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। रूट में 8 QE अपॉन एम। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अब आपको देखना है U क्या है, V क्या है, A कितना है, S कितना है, बस इनके वैल्यूज रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी तक आंसर नहीं मिला मुझे सही, बाकी लोग भी ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, आसपास हो आप लोग ट्राई कर सकते हो, बता सकते हो। बाकी लोग जो भी देख रहे हैं वो भी बताएं क्या है आंसर इसका। जो भी लाइव देख रहे हैं सब लोग ट्राई करें, किसी को भी समझ में नहीं आया तो बता सकता है, मैं स्टेप वापस रिवाइज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को सीखना है। हाँ जी, गर्ल्स भी बताएं, सारी गर्ल्स, गर्ल्स काफी हैं वो भी बताएं, बॉयज भी बताएं, सब लोग बताएं। रितिका दोबारा बताओ, तुमने पहले सही बताया था, थोड़ा सा गलती था उसमें, बाकी सही था वो। रितिका, अनुष्का, खुशबू, गीतिका, गुंजन, गुंजन क्लास में भी तुम शांत रहती थी, यहां पे भी शांत रहोगे क्या? आप भी बताओ गुंजन बेटा। हाँ, अमर ने दिया है 2 QED अपॉन एम। हाँ, इसमें रूट लगा दो बाकी आंसर आ जाएगा। रूट नहीं लगाया, रूट होगा, रूट में 2 QED अपॉन एम सही आंसर है। अमर का भी, फिर पीयूष ने भी सही आंसर निकाला, इसमें रूट भी लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है हमारा। देखो एक्सेलेशन कितना आ गया, वो आ गया QE अपॉन एम, आ गया हमारा एक्सेलेशन। ये है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था, एक्सेलेशन को कैसे निकालते हैं, ये तो फोर्स हो गया, फोर्स अपॉन मास, तो इससे आ जाता है क्यूई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन आ गया, है ना। हाँ, काफी बच्चों ने दिया, गीतिका शाबाश, गीतिका 2 QED अपॉन एम रूट में। अनुष्का कोशिश अच्छा किया, रूट में 8 QED अपॉन एम, 8 नहीं है। देखो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, क्यूई अपॉन एम आ गया। एस की वैल्यू कितनी रखनी है, डी रखना है, और यू कितना है अपना, 0 है बस, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2S निकालना है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर तो 0 प्लस 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी, क्यू ई अपॉन एम, और एस कितना है हमारा, डी। तो हमें यही तो पता लगाना है कि किस वेलोसिटी से दीवार को हिट करेगा हमारा, ये टारगेट है। तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 QED अपॉन एम, ये हमारा वी स्क्वायर आ गया, यानी कि वी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2 QED अपॉन एम, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई बताओ किसी को, इस तरह से करेंगे, ये आंसर है हमारा फाइनल आंसर, रूट में 2 QED अपॉन एम, ये वेलोसिटी फाइनल आ जाएगी हमारी। कहां पे गलती की, गलती को पहचानो, कहां पे गलती की आप लोगों ने, क्या गलत हुआ आपसे, उस गलती को पहचानिए सभी लोग। बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2S रखना था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है, इसको ध्यान में रखना, कोई भी जो चार्ज बॉडीज होती है उस चार्ज बॉडी का अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो सीधा क्या करना है, क्यू ई अपॉन एम करना है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, याद रखना, बहुत काम की चीज़ है ये। सचिन, अनुष्का काफ़ी सही सही आंसर दिया काफ़ी बच्चों ने, शाबाश सभी को, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर था, बहुत बढ़िया।
सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो, बहुत अच्छे। तो ये हमारा एक सवाल हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये इलास्टिक कॉलिजन करता है, तो ये तो हो गया। अब इसमें आप ये बताइए कि जब इलास्टिक कॉलिजन करेगा, तो कॉलिजन के से पहले और बाद में इसके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा। तीसरा क्वेश्चन इसका, आपको पता है अपन स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं, क्लास में भी ऐसे ही करते थे। तो मैं इस सवाल में तीसरा पार्ट और ले आता हूं, मोमेंटम निकालने का। तो फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर आफ्टर द कॉलिजन। तो कॉलिजन के तुरंत बाद जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो कितना आएगा, उसका आंसर बताना है। इसका ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है कि कॉलिजन के तुरंत बाद, यहां पे जब कॉलिजन होगी इस हमारे मास के ऑब्जेक्ट की इस बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जब कॉलिजन होगी, कॉलिजन के तुरंत बाद, जैसे कॉलिजन से ये वापस ये टक्कर मार के इधर आएगा, तो कॉलिजन के तुरंत बाद उसके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा। चेंज इन मोमेंटम पता लगाना है, यानी कि संवेग में परिवर्तन कितना होगा। संवेग में परिवर्तन याद करके बताओ कितना होगा, संवेग में परिवर्तन ये पता लगाना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड पार्ट समझ में आ गया, ये वाला सभी को क्लियर हो गया, आई होप सो, कोई डाउट नहीं है किसी को। थर्ड पार्ट बताइए, थर्ड पार्ट देखो। यहां पे मैं सारे आपके 11th क्लास के जो फंडे हैं वो वापस रिवाइज करा रहा हूं। मैंने इलास्टिक कोलिजन का फंडा काम में ले लिया, 1D की इक्वेशन है काम में ले ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में सीख रहे हैं, इसके साथ साथ हम 11वीं की बातें भी रिवाइज कर रहे हैं। तो आप संवेग में परिवर्तन बताइए, सभी लोग ट्राई करो। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन क्या होगा, ये बताइए। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। बताओ कमेंट्स में, बताओ, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूं। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज क्या होगा। जो लाइक देख रहे हैं लाइक, अच्छा वीडियो को लाइक तो कर दो भाई लोग, सभी लोग लाइक करो वीडियो को, जो भी लाइक देख रहे हैं वीडियो को लाइक करो। लाइक 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 करने वाली बात भूल गया मैं, लाइक करो, लाइक लाइक सभी तुरंत लाइक करो, लाइक करना मत भूलना भाई लोग। और सही आंसर निकाल के बताओ मेरे को, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। डायरेक्शन चेंज होगी धनराज, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज होगी। पहले यहां पे था हमारा मास का ऑब्जेक्ट, इधर से इधर गया, तो जब कॉलिजन करेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, बाद में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कॉलिजन करके पीछे जाएगा। इधर जा रहा है ना, तो पहले कॉलिजन करेगा फिर पीछे आ जाएगा, तो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस। अच्छा, रितिका ने आंसर दिया रूट में m a m 2 QED अपॉन, ओके ओके, कुछ हद तक सही है। √2 QED × m, ओके। देखो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, फिर फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम करना है। तो आपको याद होगा ऐसे केसेस में दुगना हो जाता है मोमेंटम में चेंज, तो उसी चीज को हमें यूज करना है। अनुष्का, √2 QE / 2 QE m, ओके ओके, मैं अभी आंसर डिस्क्लोज करूंगा, आप लोग सभी आंसर दो। अभी अगर मैं सही आंसर बता देता हूं तो बहुत लोग अपने कमेंट डिलीट कर देते हैं, उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। डिलीट मत करो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हर किसी से होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर आप ट्राई करते हो तो अच्छा है, ट्राई करना चाहिए सभी को, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। ट्राई करते रहो। हाँ बताओ बताओ आंसर बताओ जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। तो सॉल्व किया जाए फिर, 5-6 बच्चों ने बताया आंसर, काफी लोग देख रहे हैं, सभी बताएं आंसर, सभी कोशिश करें, सभी कर सकते हो आप। मोमेंटम के जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फंडे, उन्हीं का यूज करना है और कुछ नहीं है सवाल में। हाँ गुंजन, काफी शाबाश गुंजन, रूट में 2 QED / m, बिल्कुल गुंजन शाबाश। अमर, रूट में 2 QED / m,
अनुष्का बिल्कुल हाँ बढ़िया, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो, पार्टिसिपेट करोगे तो बढ़िया सीखोगे और अच्छे से। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हिट करेगा। मास तो कुछ नहीं है, मास तो वही रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इनिशियल हमने वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हिट करेगा वो निकाला था, कितना आया रूट में 2qed अपॉन एम, तो वो कितना हो जाएगा रूट में 2qed अपॉन एम। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हिट करेगा वो, ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है और ये मोमेंटम की डायरेक्शन कितनी है हमारी, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये किधर है हमारा, आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप में है ना, इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूं, तो हमारा मोमेंटम इनिशियल किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में। इसी तरह से मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं, पी फाइनल, तो मास ऑब्जेक्ट जो है टक्कर के बाद में इधर जाएगा, इधर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है, प्रत्यास्थ टक्कर है, तो जितनी वेलोसिटी से ये हिट करेगा उतनी वेलोसिटी से वापस पीछे भी आएगा, जिस वेग से टक्कर मारेगा उसी वेग से वापस भी आएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, रूट में 2qed अपॉन एम ही रहने वाली है, फाइनल वेलोसिटी यही रहेगी ना, जिस वेलोसिटी से हिट करेगा उसी वेलोसिटी से वापस रिबाउंड भी करने वाला है, जिस वेलोसिटी से टक्कर मारेगा उस वेलोसिटी से वापस भी आने वाला है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस में आई कैप, ये फाइनल मोमेंटम पीछे की डायरेक्शन में रहेगा, और चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो वो क्या हो जाता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये होता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू रूट में 2qed अपॉन एम माइनस में आई कैप माइनस ऑफ एम टाइम्स रूट में 2qed अपॉन एम आई कैप, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा डेल्टा पी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एम रूट में 2qed अपॉन एम, और ये हो जाएगा अपना आई कैप, नेगेटिव आई कैप आ जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये तो है चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन। अच्छा देखो इसमें एक और बात समझ लेना, वेक्टर में अगर आपसे ये भी पूछा जाए बताओ चेंज इन मोमेंटम जो आया है, जो संवेग में परिवर्तन आया उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो क्या है माइनस में आई कैप डायरेक्शन है, इससे एक जानकारी और पता चलती है अपन को। और मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं चेंज इन मोमेंटम में, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एम से एम ये रूट में चला जाएगा, और ये टू को अंदर भेज दो तो वो एट हो जाएगा, तो रूट में 8qed m ये फाइनल आंसर आ जाएगा, रूट में 8qed m ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ये हमारा आंसर आ गया, इसमें किसी को दिक्कत आई किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी पता चल गई हमें, और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू भी, देखो टू को अंदर भेज दिया, टू को अंदर भेज दी वो फोर हो जाएगा, फोर इंटू टू कितना हो जाएगा एट, तो रूट में 8qed m, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप लोगों ने काफी ट्राई किया, अच्छा ट्राई किया, रूट में 8qed m ये हमारा फाइनल आंसर है, रूट में 8qed m। इसमें किसी को डाउट है बताओ, डाउट है तो मैं बता सकता हूं, वापस रिपीट कर दूंगा, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है आप पूछ सकते हो, क्या करना था चेंज इन मोमेंटम निकालना था आफ्टर दी कॉलिजन, कॉलिजन से पहले और बाद में, तो कॉलिजन से पहले मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, कॉलिजन के बाद में मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो कॉलिजन से पहले मोमेंटम तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, कॉलिजन के बाद में मोमेंटम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पता चल जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आई पहले इस, और देखो एक और बात, वेलोसिटी इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी क्या रहती है, जिस वेलोसिटी से हम हिट करते हैं दीवार को उसी वेलोसिटी से वापस भी बाउंस बैक होता है ना, तो उसी फंडे को यूज किया है, कोई डाउट नहीं है, नो सर बिल्कुल समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, ओके सचिन, रूट 8qed m ये आंसर हो गया आपका। तो इसमें देखो क्या किया था, मैं वापस रिवाइज कर देता हूं, यहां पे ये क्वेश्चन था, सबसे पहले पूछा था टाइम, जाते समय टाइम और आते समय टाइम, जाते समय टाइम निकाल लिया हमने रूट में 2qed m अपॉन क्यू, और जाते समय और आते समय बराबर होगा तो उससे हमें फाइनल आंसर मिला था टाइम का रूट में 8 dm अपॉन क्यू। बाद में सेकंड क्वेश्चन किया था कि किस वेलोसिटी से हिट करेगा, उसमें भी हमने 1D की इक्वेशन यूज किया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो उससे हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिली v बराबर रूट में 2qed अपॉन m। और थर्ड पार्ट था हमारा ये, जिसमें मैंने पूछा था कि चेंज इन मोमेंटम, तो कॉलिजन से पहले और बाद में, तो दोनों से दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस जो है वेक्टर के प्रिंसिपल का यूज करते हुए किया जाता है, तो उससे हमें क्या मिल गया, हमें चेंज इन मोमेंटम मिल गया। आई बात समझ में,
तो ये तीन तरह के क्वेश्चन इसमें हमने किए थे। और देखो पिछले वाला भी रिवाइज कर देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन किया था हमने, पहले क्वेश्चन में क्या था, इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया जाता है तो किस प्लेट प्लेट पे कहाँ पर किस वेलोसिटी से हिट करेगा ये पता लगाने था। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो उतनी रही, फिर वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जो है वो निकाल ली हमने, और फिर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दिया, इससे हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो ये सवाल पहले किया था, बाद में हमने ये सब किया था, ठीक है। तो ये जो है हम आज हमने दो सवाल किए इस वाले मेथड का। ये देखो फायदा ये है कि यहाँ पे साथ साथ में मेरे नोट्स भी जो है ना वो रिकॉर्ड हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो ये नोट्स क्या है कि मैं आपको सीधा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का ये फायदा यहाँ पे है, ये राइटिंग पैड से नोट भी बन रहे होते हैं और रिकॉर्ड भी हो रहा होता है, तो आपके पास लाइव लेक्चर भी पहुंच रहा होता है। तो यहाँ पे एक फायदा यहाँ पे ये रहता है, और ताकि मेरे को वापस कोई स्टेप पीछे वाली चीज़ दिखानी हो आपको तो मैं इसमें क्या है पीछे जाके दिखा भी सकता हूँ। तो इस टेक्नोलॉजी में ये फायदा यहाँ पे मिलता है, बाकी वो बोर्ड वाला उसमें रियलिस्टिक लगता है, इसमें भी सीख सकते हैं हम। तो इसमें आपका कमेंट क्या है, फीडबैक क्या है, एक बार आप बता सकते हो मुझे कमेंट लिख के कि अभी आपने 1 घंटा इसका सेशन अटेंड किया इस टेक्नोलॉजी में, जिसमें मैंने ये डिजिटल फॉन्ट्स का यूज किया, आपको एकदम क्लियरिटी से दिखाई चीज़ों को, तो इस वाले में ज़्यादा आप सीख पा रहे थे या बोर्ड वाले पे, ये वाला और तरीका अब आप बताइए, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इस एक्सपीरियंस को आप कैसे बताना चाहोगे, कैसा लगा आपको सीखने में, आपको कैसा समझ में आया। आप जैसा बोलोगे बोर्ड वाला तरीका भी रेडी है, बोर्ड वाले भी पढ़ा देंगे, इस वाले भी पढ़ा देंगे। ओके बताइए, कोई डाउट नहीं है किसी को, बहुत अच्छे। तो फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर भी शुरू करना है, आप कमेंट में बता सकते हो। दिस वन इज गुड गीतिका, बिल्कुल गीतिका तुमने पहले भी बोला था दिस वन इज गुड। और कोई बताओ, बहुत अच्छा सर सचिन, ये सही है। इसमें बहुत सारी चीजें यूज की जा सकती है, अच्छा है सर मंजू मीना, अच्छा है ये भी। अनुष्का ने यही वाला सर, नाइस। इसमें देखो अगर आपसे लाइव बात भी करनी हो तो मैं स्क्रीन को बड़ा करके आपके सामने भी आ सकता हूं ऐसे। और भी कोई फीडबैक देना चाहेगा इस तरीकों को लेके। ओके तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना कोई मत भूलना, ये बात ध्यान रखना है ना, जितने ज़्यादा अच्छे लाइक होते हैं उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर रखते हैं, थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास भी शुरू करनी है अपन को, तो आपने सभी ने बहुत अच्छे से सीखा। ओके चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यही वाला सर, यस सर ठीक है, ये सही है सर, वेरी नाइस। काफ़ी बच्चों के ठीक है यही, हाँ काफ़ी बच्चों के इस वाले तरीके में भी अच्छा लगा इनको। ओके